कार्तिक तिवारी कार्तिक आर्यन कैसे बन गए? मम्मी पापा से झूठ बोला कि पढ़ाई करने जा रहा हूं और पहुंच गए एक्टर बनने। ग्वालियर में पैदा हुए कार्तिक आर्यन मम्मी पापा दोनों डॉक्टर, तो चाहते थे कि कार्तिक भी डॉक्टर बने। लेकिन कार्तिक के अंदर बचपन से कीड़ा था कि भैया बनना है तो एक्टर बनना है और कुछ नहीं बनना। लेकिन इस कीड़े के बारे में मम्मी पापा को बताया नहीं था और कार्तिक को यह भी पता था कि भैया एक्टर बनना है तो जाना पड़ेगा मुंबई। तो कार्तिक क्या करते थे, जब 12th पास कर ली तो अपने जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे ना मेडिकल या इंजीनियरिंग के, वो मुंबई के आसपास रखा करते थे ताकि मुंबई जाने का मौका जो है वो इनको मिल जाए। अब मुंबई के डीवाई पाटिल कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया और पहुंच गए मुंबई। मम्मी पापा को तो पता था कि पढ़ने जा रहा है बेटा, इंजीनियर बनने जा रहा है, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही खुराफात चलती रहती थी। कॉलेज में अटेंडेंस की उतनी दिक्कत थी नहीं तो कॉलेज जाया नहीं करते थे, जाते थे ऑडिशंस देने। एड्स का ऑडिशन, सीरियल्स का ऑडिशन, मतलब जो मर्जी ऑडिशन आ जाए कार्तिक उसे दे दिया करते थे। और कॉलेज में अपने दोस्तों की मदद लिया करते थे प्रैक्टिकल्स पूरे करने में, अपनी फाइलें बनवाने में। मतलब चार्मिंग तो थे ही, तो लड़कियों पर भी चार्म चलाया करते थे और भैया उनकी मदद से जैसे तैसे अपनी पढ़ाई को जो है वो पूरा करा करते थे, अपनी कॉपीज को, अपने प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट किया करते थे। अब लगातार ऑडिशन दे रहे थे और लगातार फेल हो रहे थे। ऐसा लगता था कि भैया ऑडिशन देने वाले को समझ ही नहीं है कि कार्तिक आर्यन में कितना टैलेंट है, मतलब कार्तिक तिवारी में कितना टैलेंट है। उस वक्त तिवारी थे, आर्यन कैसे बने ये अभी आगे बताने वाला हूं। 12 लड़कों के साथ जो है वो रहा करते थे, उन सबके लिए खाना बनाया करते थे। और खाना इसलिए नहीं बनाते थे कि इनको पैसे मिलते थे, जैसा कि कहीं एक जगह पे खबर आई थी और कार्तिक ने फिर उसको मना भी कर दिया। खाना इसलिए बनाते थे क्योंकि कुकिंग का शौक था। अब भाई ऑडिशंस देते जा रहे थे, सोशल मीडिया पे देखते थे, यहां वहां देखते थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन पता चला कि भैया प्यार का पंचनामा नाम की फिल्म का ऑडिशन हो रहा है। कार्तिक ने सोचा दे देता हूं, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि उस दिन कार्तिक का एग्जाम था और उसी दिन कार्तिक को एक एड फिल्म के लिए भी ऑडिशन देना था, जहां सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे और सिलेक्ट हो जाते तो पैसे भी मिलते पूरे 5,000 रुपए। अब गरीबी में 5,000 रुपए, खैर कार्तिक वैसे भी बहुत ट्रैवल करते थे ऑडिशन के लिए, न्यू बॉम्बे से बॉम्बे आया करते थे, 2.5 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करते थे, स्टेशन पे कपड़े चेंज किया करते थे, तो पैसों की दिक्कत तो थी। लेकिन उस वक्त कार्तिक ने सोचा चलो भैया फिल्म का ऑडिशन दे देते हैं। कार्तिक ने दिया फिल्म का ऑडिशन और हो गए रिजेक्ट। अब रिजेक्ट हुए तो भैया खूब अफसोस हुआ कि एक तो एग्जाम छोड़ा, दूसरा एड फिल्म छोड़ी, 5,000 रुपए हाथ से चले गए। लेकिन इसके कुछ दिन बाद कार्तिक को फोन आया, प्यार का पंचनामा के एक और कास्टिंग डायरेक्टर की नजर कार्तिक की तस्वीरों पर पड़ गई, उन्होंने फिर से बुलाया। कार्तिक खुश हो गए, फिर से गए, फिर ऑडिशन दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। भैया करते 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 6 महीने हो गए ऑडिशन देते देते। आखिरकार कार्तिक ने एक जो उनका मोनोलॉग वाला डायलॉग है प्यार का पंचनामा वाला, 5 मिनट का, जो बड़ा फेमस है, जब वो बोला तो जाके मेकर्स को लगा कि भैया ये लड़का जो है ये कुछ कर सकता है। और फिर आखिरकार कार्तिक को प्यार का पंचनामा के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। उस दिन फिर कार्तिक ने मम्मी पापा को बताया कि भैया मैं तो एक्टिंग के लिए ऑडिशंस दे रहा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। अगले दिन मम्मी पापा ग्वालियर से मुंबई पहुंचे, खूब रोए, खूब इमोशनल हुए, लेकिन भाई अच्छी बात थी, उन्हें लगा कि बेटा जो है कुछ कर जाएगा। अच्छा इससे पहले क्या हुआ था, जब कार्तिक ऑडिशन दे रहे थे ना तो एक एक्टिंग सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर की नज़र कार्तिक पर पड़ी और उसने कार्तिक से कहा कि भाई मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा देता हूं। लेकिन कार्तिक के पास पैसे तो थे नहीं। अब उस इंस्ट्रक्टर को लगा कि लड़का प्रॉमिसिंग है, तो उस इंस्ट्रक्टर ने फ्री में कार्तिक को सिखा दी एक्टिंग। और इस तरीके से कार्तिक ने थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीखी और फिर ऑडिशंस तो दिए ही जा रहे थे। अब जब प्यार का पंचनामा की तो ये थे कार्तिक तिवारी। अब तिवारी साहब उन दिनों इंजीनियरिंग कर रहे थे, पूरी नहीं हुई थी, इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम्स बाकी थे, फिल्म रिलीज हो गई, कार्तिक मशहूर हो गए। फिर जब कॉलेज में एग्जाम देने पहुंचे तो भैया जो यार दोस्त साथ में चाय समोसा खाया करते थे वो सेल्फी ले रहे थे।
एग्जाम दिए तो चीटिंग करवाने वालों की लाइन लग गई कि अरे मैं करवाऊंगा चीटिंग, मैं करवाऊंगा। अब सबको लग रहा था कि लड़का हीरो बन गया है। तो खैर इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली, और वो पूरी इसलिए की क्योंकि मम्मी का प्रेशर था, मम्मी का कहना था कि भैया कुछ भी हो पढ़ाई पूरी कर लो। और इसीलिए कार्तिक आर्यन मम्मी की बदौलत ही सही पढ़े लिखे एक्टर माने जाते हैं इंडस्ट्री के। फिर जब दूसरी फिल्म आकाशवाणी आने वाली थी तो उससे पहले कार्तिक तिवारी ने अपना नाम बदल कर लिया कार्तिक आर्यन। अब इसके बाद कार्तिक को फिल्में और मिलनी शुरू हुई, लेकिन उन्हें असली कामयाबी मिली सोनू के टीटू की स्वीटी से। 2018 में ये फिल्म आई थी। इसके बाद कार्तिक ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लुक्स, उनके स्टाइल, उनके स्वैग के खूब चर्चे हुए। कार्तिक हार्टथ्रॉब बन गए लड़कियों के, और फिर तो वो काफी मशहूर हो गए और इस वक्त इंडस्ट्री के तेजी से उभरते हुए सितारों में उनका नाम शुमार किया जाता है। हालांकि करण जौहर ने उन्हें दोस्ताना 2 से निकाल दिया है। अनप्रोफेशनल रवैया अपनाने का आरोप उन पर लगाया गया है, और इसका कार्तिक के करियर पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कार्तिक आर्यन ने ये साबित कर दिया कि भैया अगर चाहो तो इंजीनियर भी अच्छा एक्टर बन सकता है। ABP News, आपको रखे आगे।